नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में फिर से 2600 चालकों की भर्ती बहुत ही जल्दी होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान जॉब्स का जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूज़ आया है, न्यू दिल्ली से आया है, रेलवे में फिर से 2600 चालकों की भर्ती बहुत ही जल्दी होगा और उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है रेलवे में लोको पायलट या और असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती को लेके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई भी अपडेट आता है आरआरबी रिलेटेड, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो अपडेट आया है हिंदुस्तान जॉब्स के जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में आया है यहाँ पे रेलवे में 2600 चालकों की भर्ती बहुत ही जल्दी होगा। दोस्तों यहाँ पे जो चालक की भर्ती होगा, ये दोस्तों मालगाड़ी का ड्राइवर के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेज रफ्तार मालगाड़ियों के चलाने के लिए 2600 ड्राइवर की भर्ती करने का फैसला लिया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए नए साल में डीएफसी में नौकरी करने का मौका मिलेगा। डीएफसी में भर्ती होने वाले ड्राइवर को कैप्टन और को कैप्टन के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, रेलवे में जो चालक होता है उसको हम बोलते हैं लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डीएफसी में जो मालगाड़ी चलाने के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी आएगी, उसमें जिन सभी कैंडिडेट को जॉब लगेगा, उन सभी कैंडिडेट के यहाँ पे कैप्टन और को कैप्टन के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जो रेलगाड़ी चलाता है उनको हम लोग लोको पायलट और लोको पायलट के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएफसी में जो यहाँ पे भर्ती होगा वहाँ पे यहाँ पे दोस्तों सभी पायलट को कैप्टन और को कैप्टन के हिसाब से जाना जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया, रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक पूर्वी डीएफसी पर खुर्जा से कानपुर के बीच में कमर्शियल मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। डीएफसी ने फिलहाल रेलवे के ड्राइवर को लेके मालगाड़ी को चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में 2600 कैप्टन और को कैप्टन की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आगामी जनवरी से अप्रैल तक 2600 में से 50% कैप्टन और को कैप्टन की भर्ती कर ली जाएगी। शीर्ष पद के 2020 तक दिसंबर तक प्रक्रिया शुरू पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में आपका 50% यानी कि 1300 पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 2020 के दिसंबर तक आपका यहाँ पे 2600 असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि दोस्तों कैप्टन पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके पूरा यहाँ पे प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कैप्टन का जो वेतन होगा दोस्तों, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट या तो पायलट का जो वेतन होता है उससे 1.3 गुना अधिक होगा। आप देख सकते हैं कैप्टन का वेतन होगा ड्राइवर से ज़्यादा, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट से 1.3 गुना ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे मालगाड़ी चलाने वाला कैप्टन होगा उसको 110 किलोमीटर रफ्तार पे यहाँ पे मालगाड़ी चलाना होगा। उसके साथ साथ डीएफसी पर मालगाड़ी टाइम टेबल पर चलेगा। उसके साथ साथ दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता मालगाड़ी 20 घंटा में पहुँचेगी। यात्री ट्रेन 17 से 18 घंटा लेती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे जो यात्री ट्रेन है वो 17 से 18 घंटा लेता है दिल्ली से मुंबई या कोलकाता आने पे। यहाँ पे दोस्तों मालगाड़ी जो है, मालगाड़ी 20 घंटा में पहुँच जाएगा, जहाँ पे दोस्तों सभी कैप्टन को 110 किलोमीटर रफ्तार से आपको मालगाड़ी चलाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपका असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि कैप्टन पोस्ट के लिए फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और 2020 के दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी 2600 कैप्टन और को कैप्टन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आया था मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।